जब मैं इस घर में रुखसत होकर आई थी, मेरे लिए तो इतना एहतमाम नहीं किया था आपने आंटी। तब अम्मी को वो खाना नहीं बनाना आता था ना इतना सारा इस वजह से। फिर भी आंटी, आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। बिलावजह थकाया आपने खुद को। अरे बेटा, कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे भाई बेगम, ये बहू आपको आंटी आंटी कह रही है, हमें तो अब्बू कहा था। सॉरी, आज से मैं आपको भी अम्मी ही कहूंगी। जीती रहो। वैसे उजाला, शादी के बाद पहला नाश्ता तो अपने घर से आता है ना, मतलब अपने मैके से? हलीमा भाभी को नाश्ता लाना चाहिए था, क्यों नहीं लेकर आई वो? आप लोगों ने वैसे नाश्ते पे इतना एहतमाम क्यों किया? क्यों क्यों ना करते? छोटी बहू का पहला नाश्ता है इस घर में। इसलिए तो कह रही हूँ कि छोटी बहू के माँ बाप ने नाश्ता नहीं भेजा क्या? वो ज्यादातर बाहर ही रहे हैं और बहुत मॉडर्न लोग हैं, इन रस्म और रिवाज को समझते नहीं हैं। कमाल है भाई, शादी पे सारे रस्म और रिवाज तो पूरे किए। नवाल की सहेलियों ने पूरे 2,00,000 जूता छुपाई लिए, ये रस्म तो याद थे, नाश्ता लाने के रस्म और रिवाज याद नहीं। ऐसे खानदानी लोग होते हैं जो रस्म रवाज का ख्याल रखते हैं। आजकल तो लोग बेटियों की शादी करते हैं, जान छुड़ाते हैं, अल्लाह खैर सल्ला। आज से ये घर उजाला का है, समझो इसी के घर से नाश्ता आया। भाभी, आपके स्कूल का क्या होगा? स्कूल मेरे लिए सिर्फ एक जॉब नहीं है, एक जिम्मेदारी है जो मुझे निभानी है। मैडम शेवार मुझ पर बहुत एतमाद करती हैं। अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो मैं ये जॉब जारी रखना चाहूंगी। हमारी तरफ से तुम पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। बल्कि हमें तो फखर होगा कि हमारी बहू इतनी जिम्मेदार और काबिल है, और जोएब को भी कोई इतराज नहीं होगा। बताइए। मुझे क्या इतराज बताओ? ये बात तुम्हारी मर्जी है। मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि घर की जिम्मेदारियों में कभी भी कोई कोताही नहीं होगी। अरे बेटा, क्या हो गया? घर के कामों के लिए बहुत से मुलाजिम हैं इस घर में, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और बाकी का काम फायदा देख लेती है।
और इतना ही नहीं अम्मा, उसको तो स्कूल जाने की भी इजाजत मिल गई है। सबके सब उसके नाज नखरे ऐसे उठा रहे हैं कि जैसे बस वो बहुत ही कोई लाडली हो। समझ ही नहीं आ रहा, मुझे लग ही नहीं रहा कि ये वो लड़की है जिसे वो लोग जलील कर चुके हैं पहले भी। हैं कितने चालाक हैं तेरे ससुराल वाले, अपना मतलब हुआ तो उजाला से माफिया मांगने लग गए। सबसे तेज तो वो उजाला है, हम्मी जान अबू जान ऐसे करती फिरी है जैसे जैसे वही उनकी सगी है। सीख ले इससे कुछ, वरना तेरा पत्ता काट देगी ये मीठी छुरी है पूरी की पूरी। और तेरे ससुराल वाले गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग हैं वो, चापलूसी कर वरना घर से निकाल बाहर करेंगे तुम्हें। ये तू क्या कह रही है अम्मा, तू ही तो कहती थी कि मुंह मत लगा, जूते की नोक पर रख, घर अलग कर, खाना अलग कर, और अब तू। अरे पागल, अकल से पैदल, वक्त के साथ साथ अपनी सोच, अपनी बातें, रवैया सब बदलने पड़ते हैं। ना भाई, मुझसे नहीं होती ये चापलूसियां, इसमें तो उजाला ही माहिर है। मैं तो उन्हें इसी तरह जूते की अरे क्या हुआ, सुन तो सही, अभी कुछ और बताना था तुम्हें। हेलो, बहुत ही निकम्मी लड़की है भाई मेरी तो। उजाला की तरह चापलूसियां बेशक मत करना, मगर वो भी मत करना जो तुम्हारी माँ कह रही है करने को, वरना इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा।
क्या करूं ऐसा कि आप लोगों को मुझ पे एतबार आ जाए? मुझे ये बता दे, मैं अम्मी और बाबा के सर की कसम खा लेता हूं। मैं सरों में तो तुम पहले ही हमारे खाक डाल चुके हो, अब झूठी कसमें खा के हमें जीते जी मारना चाहते हो क्या? मैं क्यों झूठी कसम खाऊंगा अम्मी, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। हाँ, तुम्हारी बात सुन लेते हैं ताकि तुम्हारे मुंह में जो आए तुम बकते चले जाओ, झूठे सच्चे सारे इल्जाम किरण पे लगा दो, है ना? जरबाब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, किरण ने हमसे झूठ बोले और वो उसकी सजा भुगत रही है, और तुमने जो हरकत की है ना वो नाकाबिले माफी है, उसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। और तुम्हारी सजा ये है कि मैं बहुत जल्द एक अच्छी लड़की देखकर तुम्हारी शादी कर दूं। तुम्हें उजाला को भूलना होगा, मंजूर है तो ठीक है, वरना 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 क्या बताएं? वरना तुम ये घर छोड़कर जा सकते हो। पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट है, बीपी और शुगर भी कंट्रोल है, और दूसरी बात यह है कि जो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स है वो भी तसल्ली बख्श है। मेरी बहू ने मेरी बहुत खिदमत की है, अल्लाह ताला हर एक को ऐसी बहू दे। वेल डन बेटा, अगर आप इसी तरीके से ख्याल रखती रही तो फिर इलाज की जरूरत नहीं है इंशाल्लाह। अच्छा, ये मैंने कुछ मेडिसिन लिख दी है, ये जो है आप इनको रेगुलर दीजिएगा, ठीक है? ठीक है।
आए मैं आपको छोड़ दूं। चलिए आइए। तुमने मेरी बहुत खिदमत की है, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। आपके सूप बनवा दूं? तुम्हारे हाथ का सूप तो जरूर पीऊंगी। मैं बना देती हूँ, अभी मेरे पास बैठी थोड़ी देर। चाय। चाय, चाय, चाय। थैंक यू। वैसे वजाहत, उजाला ने तो घर आते ही अपने हुस्न अखलाक से सबके दिल जीत लिए। बड़े तो बड़े, बच्चे भी उसके गर्विदा हो गए। इतनी खूबसूरत शख्सियत की मालिक है वो, जब बात करती है तो ऐसा लगता है कि मुंह से फूल झड़ रहे हो। ऐसी ये खूबियां हमें उसमें पहले क्यों नहीं नजर आई? क्या मंदे हो गए थे जो इतनी अच्छाइयां उसकी हम पहचान नहीं सके? इंसान की असलियत उसके भरतने के बाद मालूम होती है। उजाला की खूबियां भी हमें बतदरीज मालूम हो रही हैं। उसके साथ रहकर मालूम हुआ कि वो तो बहुत अच्छी और प्यार करने वाली लड़की है। मैंने तो जब भी उसे देखा नहीं, कहीं ना कहीं मसरूफ होती है, कभी किचन में, कभी बच्चों को पढ़ा रही है। अरे यहां तक कि मेहमानदारी के अंदर भी कोई कसर नहीं छोड़ती। वैसे हमारे भी खाने पीने का, आराम का कितना ख्याल रखती है ना वो। वैसे कौसर, मुझे तो पहले ही मालूम था कि उजाला इस घर के लिए बेहतरीन बहू साबित होगी, लेकिन तुम ही नहीं मानती थी। काश काश किरण को भी थोड़ी सी अकल आ जाए, वो अदब और आदाब अपनी छोटी बहन से ही सीख ले। मैं समझता हूँ कि किरण के बिगड़ने में उसकी माँ की तरबियत का हाथ है। लेकिन वजाहत, उजाला की तरबियत भी तो उसी औरत ने की है ना? नहीं, उजाला की तरबियत उसकी मरहूमा नानी और उसकी बड़ी बहन ने की है। हलीमा भी बड़ी सलीका मंद और बाअदब लड़की है। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ये जो नुसरत जैसी औरतें होती है ना, ये अपनी बेटियों को शादी के बाद सीधा रास्ता दिखाने के बजाय भूल भुलैयों में उलझा देती हैं। और ऐसी बेटियां बड़ी ही नाअकबत अंदेश होती है। वो ससुराल को अपना दुश्मन समझती है और सारी जिंदगी ससुराल वालों के साथ अजनबियत की तरह रहती है। हालांकि मैं समझता हूं कि लड़की का असल घर तो उसका ससुराल होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन ऐसी लड़कियों का तो अल्लाह ही हाफिज है। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, समझे? बाबा, मैं नाराज करने का सोच भी नहीं सकता आपको। अगर तुम्हें मेरी नाराजगी की इतनी परवाह होती ना, तो ये घटिया हरकत कभी ना करते। मैंने कितना मना किया था कि उस लड़की के चक्कर में मत पड़ो, और जब
किरण का मसला नहीं हुआ था, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार था, लेकिन किरण की असलियत जानने के बाद उस खानदान की लड़की के साथ ये सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पापा आ गए, पापा आ गए। कैसी हैं आप? I'm fine बाबा, but I miss you a lot. So, how was your day? It was a great fun. मैंने उजाला आंटी के साथ बहुत enjoy किया। नवीन, आज के बाद ना आपने इनको उजाला आंटी नहीं कहना, ये मामा है आपकी। लेकिन मेरी मामा तो यूके में, तो उजाला आंटी मेरी मामा कैसे हो सकती हैं? आपकी मामा यूके में है, लेकिन ये भी आपकी मामा ही है। इसलिए आपने इनको मामा ही बोला। ओके बाबा। क्यों छोड़ के चले गए पापा? हमें क्यों याद नहीं करता? गुड़िया, गुड़िया अपनी जान, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? और ये क्या है आपके हाथ में, मुझे दिखाओ। मैं कहा था इस दहेज के लिए आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, फेंक दो इसे। वो मुझे भूल गए, वो क्यों याद नहीं करते हैं मुझे? किरण मामी कह रही थी कि अल्लाह ताला ने उनको एक बेबी बॉय दिया है, इसलिए वो मुझे मिस नहीं करते। तुम ऐसा
किरण ने बोला। जी मम्मा, उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने आपको डिवोर्स दे दिए और आप उनकी बीवी नहीं है। मम्मा, क्या मैं भी उनकी बेटी नहीं रही? क्या आप वो भी मुझसे नहीं मिल जाएंगे? नहीं बेटा, आप पापा की बेटी हो और हमेशा उनकी बेटी रहोगी। मगर वो कैसे पापा हैं? मुझे वो याद नहीं करते, मुझे वो फोन नहीं करते। गुड़िया, गुड़िया, आपके पापा बिजी होंगे ना, इसीलिए आपसे बात नहीं की, लेकिन आपको बहुत प्यार करते हैं। दुनिया का हर बाप अपनी बेटी से प्यार करता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके बाबा आपसे प्यार ना करें? वो मुझे भूल गए। किरण मामी कह रही थी कि उन्होंने किसी और से शादी कर ली है। मेरी जिंदगी में पापा नहीं है, सिर्फ मामा होंगी। ऐसा क्यों मामी मेरे साथ? अल्लाह ताला ने मेरे पापा मुझसे क्यों छीन लिए? मुझे मम्मी पापा दोनों का प्यार चाहिए। गुड़िया, ऐसा नहीं सोचते हैं। आपको पता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास ना माँ होती है ना बाप। आपके पास मम्मा तो है ना, मम्मा आपसे इतना प्यार करती हैं, आपका इतना ख्याल रखती हैं। अगर आप ऐसी बातें करेंगी तो वो हर्ट होंगी। आप अच्छी बेटी हैं ना, तो क्या आप मम्मा को हर्ट करना चाहेंगी? नहीं ना, ठीक हो जाएगा। मैं आपसे प्यार करती हूँ, मम्मा करती हैं, पापा बिजी हैं। गरीब से गरीब भी अपनी बेटी को कुछ ना कुछ दे दिलाकर रुखसत करता है। और रही बात गुड़िया की स्कूल की फीस की, तो ये तो आपकी बेटी की ही ख्वाहिश थी कि शहर के सबसे बड़े स्कूल में उसका एडमिशन करवाना है। सच्ची बात तो यह है कि मैं लड़कियों की पढ़ाई पे इतना पैसा खर्च करने के बिल्कुल हक में नहीं हूँ। भाई जितना पढ़ लिख जाए आखिर को उन्हें चूल्हा हांडी ही करनी होती है। तो छोड़े ये बातें, असल मुद्दे की तरफ आएं। चाहती क्या है आप? भाई साहब, हम चाहते हैं कि आप अपनी बेटी को जायदाद में उसका हिस्सा दे दें। देखो, दूसरी शादी मेरा हक है। हक? और तुम्हें अपने फराइज याद है? एक मुद्दत हो गई मेरे गुड़िया के साथ तुम्हें वक्त गुजारे हुए। आखिरी बार तुम हमें आउटिंग पर कहां लेकर गए थे, कुछ याद है तुम्हें? नहीं ना गुड़िया का बर्थडे लास्ट मंथ मैंने तुम्हें याद कराया था। गुड़िया कौन से स्कूल जाती है तुम्हें कुछ नहीं पता। मैं कैसे कपड़ों में अच्छी लगती हूँ,
के बाद मैं कैसे तैयार होकर जाती हूँ। तुम्हें ये सब कुछ नोटिस किए हुए अरसा हो गया यावर, और तुम अपने हक की बातें कर रहे हो। गुड़िया तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। खबरदार यावर, जो गुड़िया का नाम अपनी जबान से भी लिया, तुम जैसे लालची और घटिया इंसान के साथ मेरी बेटी हरगिज नहीं रहेगी। मैं इसका बाप हूं। कौन सा बाप? जिसके पास बेटी के लिए वक्त ही नहीं है। जो मेरे बाप से पैसे लेके दूसरी औरत पर उठा रहा है। उससे तो फायजा का दुख नहीं देखा जा रहा। बुझी बुझी सी खामोश रहती है। अब तक तो उसका जख्म भर जाना चाहिए था, मगर वो तो दिन ब दिन डिप्रेशन में जा रही है। गुड़िया भी हर वक्त गुमसुम उदासी बैठी रहती है। हालांकि हमने तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी भाई। बहुत अच्छे स्कूल में उसका दाखिला करवाया, फायजा को अच्छा खासा जेब खर्च मिल रहा है। पता नहीं क्यों वो हर वक्त गुमसुम और खामोश रहती है। घर का उजड़ना बहुत बड़ी बात होती है वजाहत। चिड़िया का घोंसला भी उजड़ जाए ना, तो वो कई कई दिन तक अपने घोंसले के चक्कर काटती रहती है। फायजा तो फिर भी इंसान है। कोई अच्छा रिश्ता भी तो नहीं मिल रहा कि फायजा का घर दोबारा बसा दे। हमारी जिंदगी का क्या भरोसा है, आज है कल नहीं, इन दोनों का क्या होगा। अल्लाह का शुक्र है कि उजाला के रूप में हमें छोटी बहू बहुत अच्छी मिल गई, वरना किरण तो फायजा को ताने मार मार कर उसका जीना दोभर कर देती। गुड़िया भी बड़ी हो रही है, उसे घर का तहफ्फुज़ और बाप की शफ़क़त चाहिए। आप मेरी बात क्यों नहीं मान लेते वजाहत? आप फायजा के हिस्से की प्रॉपर्टी उसे दे देना, ताकि फायजा और उसकी बच्ची सुकून में आ जाए। ये बात ठीक है कि हमारे बेटे दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन खैर से छोटी बहू तो अच्छी है, लेकिन किरण का कोई भरोसा नहीं है वजाहत। हमारे मरने के बाद अगर उसने जरबाब को प्रेशराइज किया कि घर का बंटवारा करे, तो
और अगर उसने प्रेशर में आके उसकी बात मान ली तो फिर हम क्या करेंगे? अरे तुम फिक्र नहीं करो, मैंने वसीयत तैयार करके रखी है, सबको उनका हिस्सा अपने वक्त पर मिल जाए। और ये पैसा जो है वो हमारी बेटी का मसला नहीं है, वो डिप्रेशन में जा रही है। ऐसा क्या करूं वजह से मेरी बच्ची खुश हो जाए? मेरे दिल में तो एक डर, एक खौफ सा बैठ गया है कि अगर सगा बाप ऐसा कर सकता है तो फिर दूसरा आने वाला क्या गुड़िया को बाप की शफकत दे पाएगा?